आपके सामने जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो हमारे पास यहाँ पे दो कंपनियाँ हैं। एक है हमारा पॉलिसी बाजार जो आप लोगों को पता होगा, और दूसरा हमारा टर्टल बैंक। तो दोनों का काम यही है कि आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, नो मैटर कोई भी इंश्योरेंस हो, टर्म लाइफ हो, कार इंश्योरेंस हो, व्हीकल इंश्योरेंस हो। तो यहाँ पे दोनों का मैं डिफरेंस दिखाऊंगा और किस कंपनी से, सॉरी किस वेबसाइट से आपको पॉलिसी परचेस करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो पॉलिसी बाजार से बहुत लोग फेमिलियर होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो को दोनों का कंपैरिजन करूँगा कि सर्च करके एक जनरल टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस लेके सर्च करके मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा बेस्ट है। अब इस मैं दोनों को चला चुका हूँ, मैं दोनों में एजेंट भी हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैं बहुत सारे फीचर्स पॉलिसी बाजार में प्रोवाइड करते हैं वो टर्टल मिंट में नहीं दिखता है मेरे को, और बहुत सारे पॉलिसीज भी आपको टर्टल मिंट में, मतलब मेरे को टर्टल मिंट में दिखाते नहीं है जो पॉलिसी बाजार में दिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए होम पेज में कुछ इस तरह का दिखेगा। तो अगर आपको पॉलिसी वगैरह परचेस करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमें क्वेरी भेजिए और जो भी हमारे तरफ से बेस्ट होगा मेरी तरफ से, मैं आपको रेकमेंड करूँगा किस तरह का पॉलिसी वगैरह लेना है। दोनों में पॉलिसी बाजार का भी और टर्टलमेंट का दोनों का भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे तो होम पेज कुछ इस तरह का दिखता है। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं और डायरेक्टली चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे जनरल क्या करता हूँ, एक हेल्थ इंश्योरेंस लेता हूँ, ठीक है। अब हेल्थ इंश्योरेंस मैं यहाँ पे भी सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे देख पाएंगे इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। दोनों को सेलेक्ट करके मैं गेट ए कोट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब जैसे क्लिक करूँगा तो देखिए अब यहाँ पे कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे केस में टेल मी अबाउट योर सेल्फ है, यहाँ पे भी सेलेक्ट मेंबर यू वांट वांट टू इंश्योर। तो यहाँ पे मेरे केस में मैं अपना टर्टल मिंट में नेक्स्ट ऊपर क्लिक करता हूँ। अब इंश्योर करने के लिए अब मैं चाहता हूँ मेरे मदर और फादर के लिए एक इंश्योरेंस देखूँ मैं, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ सेम एज इट इज़। यहाँ पे भी फॉलो होगा मदर एंड फादर, यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेल्फ को मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऊपर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट ऊपर क्लिक करने के बाद मैं एज प्रोवाइड करता हूँ मेरे फादर की, ये सॉरी मदर की जो है 46, और डैड हैं वो हैं 48 के। अब ये डालने के बाद सेलेक्ट करके नेक्स्ट ऊपर क्लिक करता हूँ। सेम यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब नेक्स्ट ऊपर क्लिक करके उनकी एज प्रोवाइड कर देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया 48, 46। अभी तक तो इंटरफेस सेम है, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा, आप देखिए डज एनी ऑफ योर मेम्बर हैव डिसीज, तो यहाँ पे पूछ रहा है तो मैं यस दबाऊंगा। क्या डिसीज है मेरे केस में, हाँ अदर डाल के मैं यहाँ पे लिख दूंगा थायरॉयड और ब्लड प्रेशर है, सॉरी ब्लड प्रेशर नहीं है, और उसके बाद ब्लड प्रेशर। तो ऐसे सेलेक्ट करते हैं, पिन कोड मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, डायरेक्टली बैंगलोर डाल देता हूँ, और यहाँ पे सबको सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऊपर क्लिक करता हूँ। आप पिन कोड जैसे कि मैं आपको बताया दोनों में पिन कोड पूछा जाता है, मैं पिन कोड दोनों में डाल चुका हूँ। नेक्स्ट ऊपर क्लिक करता हूँ, नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल। यहाँ पे देखिए सेम एज इट इज़ जो भी है वहाँ पे, अभी तक तो सब सेम है। तो मैं यहाँ पे सेम नेम डाल देता हूँ यहाँ पे, और फ़ोन नंबर अब पता नहीं फ़ोन नंबर लेगा कि नहीं, मैं जनरली कोई भी रैंडम नंबर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पैम से बचना है। नेक्स्ट ऊपर क्लिक करता हूँ, ओटीपी ना जाए, थैंक्स ओटीपी नहीं गया। अब नेक्स्ट ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे जैसे कि पॉलिसी बाजार में भी सेम है, भी थायराइड है जैसे कि मैं आपको बताया, ब्लड प्रेशर भी है, और चाहिए तो आप प्लान वगैरह ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्लान के डिटेल्स पे आ गए हैं, अभी तक तो सब कुछ सेम था एज इट इज़ जो भी चीज़ें दिखा रही हैं। अब यहाँ पे देखिए इनका एडवर्टाइजमेंट आ गया, देखिए HDFC का पॉलिसी बाजार के साथ कुछ एडवर्टाइजमेंट होगा इसके लिए टॉप पे आ रहा है, नहीं तो आना नहीं चाहिए जनरली। अब मुझे पता नहीं क्यों आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पहले स्टार हेल्थ वगैरह आ रही हैं। तो दोनों में देखिए एक चीज़ आप देखेंगे टर्टलमेंट का, एक चीज़ क्या अच्छी लगती है कि जैसे ही आप एज प्रोवाइड करते हैं तो कवर ऑटोमेटिकली ये मेंटेन कर रखता है, मतलब ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे 10 लाख का कवर मिल गया है, क्योंकि जनरली 10 लाख होना चाहिए अगर दो लोगों का आप इंश्योरेंस करते हैं और मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे 10 लाख करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कवर के ऊपर सेलेक्ट करके यहाँ पे जाके फिल्टर अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 10 लाख का पूरा दिखाएगा, तब जाके इक्वली यहाँ पे हम लोग अब इसे फिल्टर आउट कर सकते हैं कौन सा हमारा बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है। अब भी देखिए टॉप पे ही फिल्टर मिलता है हमको 10, यहाँ पे भी फिल्टर मिल जाता है आपको कवर का, इसमें भी कवर जो टर्टलमेंट है इसमें भी कवर मतलब फिल्टर मिल जाता है कवर का। फैमिली फ्लोटर है क्या है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, अनडिडक्टेबल है, और सेलेक्ट बेनिफिट वगैरह का जो भी ऑप्शन है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप PED बाइक बैक कवर, मणिपाल, डिजिट, मणिपाल, मणिपाल सिग्मा, स्टार हेल्थ, फिर देखिए यहाँ पे नीवा वो का डिलीवरी वेरिफिकेशन होता है इनका, फिर नीवा वो एस्पायर है, प्लेटिनम प्लस है,
हाँ एस्पायर गोल्ड है, इसको देखिए एस्पायर टाइटेनियम है, और 2.0 भी है, डिजिट का भी है, देखिए यहाँ पे 2.0 प्लैटिनम प्लस है, तो ये सब यहाँ पे है। सेम एज इट इज़ पॉलिसी बाज़ार की तरफ भी आते हैं हम लोग, और पॉलिसी बाज़ार में भी यही है लेनोवो का, सेम एज इट इज़ जितनी भी जनरल कंपनियाँ दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे पॉलिसी बाज़ार में बहुत ज़्यादा कंपनियाँ यहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे एक दो कंपनियाँ आपको कम मिले, लेकिन पॉलिसी बाज़ार में बहुत सारी कंपनियाँ आपको मिलती हैं। अब मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे फिल्टर टॉप पे चले जाते हैं, फिल्टर हम लोग अप्लाई करने का, देखिए यहाँ पॉलिसी बाजार में फिल्टर अप्लाई करने का मुझे बहुत बेस्ट चीज़ यहाँ पे लगती है। देखिए यहाँ पे जो अगर आपके पास प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है उसका कितने साल में कितने महीने में कवर होना चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब जैसे मुझे कवर चाहिए 3 महीने के बाद, अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग डिट है मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, रूम रेंट लिमिट मुझे नहीं चाहिए, नो रूम रेंट लिमिट कर दूंगा। नहीं तो यहाँ पे देखिए फिल्टर के ऊपर क्लिक करके इतनी सारे फिल्टर आपको मिलते हैं। कवर क्या है, कवर का जैसे कि मैं आपको बताया 10 लाख रूम लिमिट मैंने लगा दिया। पॉलिसी बेनिफिट अगर आप देखेंगे, प्री हॉस्पिटलाइजेशन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर, डे के ट्रीटमेंट, नो क्लेम बोनस, तो यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। रिस्टोरेशन बोनस, फिली हेल्थ चेकअप, डॉक्टर कंसल्टेंट फीस। तो यहाँ पे देखिए प्रीमियम का भी ऑप्शन दिख जाएगा आपको, तो प्रीमियम अभी आप छोड़ देते हैं क्योंकि प्रीमियम हमने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, पता नहीं फिल्टर होगा कि नहीं, तो अभी इसको छोड़ते हैं और हम चलते हैं पोर्टेबिलिटी के ऊपर। तो पोर्टेबिलिटी हमारा बाय न्यू प्लान ही रहने देते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। एग्जिस्टिंग डिसीज वेटिंग पीरियड तो मैं यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर दिया हूँ, और यहाँ पे देखिए पॉलिसी पीरियड आप 1 ईयर 2 ईयर जो भी है सेविंग वगैरह करना चाहते ले सकते हैं, इश्योर भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब फिल्टर हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग डिसीज पीरियड मतलब यह सब आपको पता है, पोर्टेबिलिटी ये भी आपको पता होगा, ये भी आपको पता होगा। अब यहाँ पे देखिए नो को पेमेंट है, नो को पेमेंट का मतलब होता है जो भी कंपनी को आप प्रीमियम दे रहे हैं अगर आपका क्लेम आ जाता है तो आपको अपनी जेब से 1 रुपये भी नहीं देना है। बहुत सारे पॉलिसीज में होता है 10% 20%, लेकिन इसमें इसीलिए मैंने यहाँ पे फिल्टर डाला है, ये नहीं चाहिए मुझे। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का यहाँ पे कवर, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का, तो दोनों जनरली हर एक कंपनी देती है तो इसको छोड़ देते हैं। डे के ट्रीटमेंट बहुत सारी कंपनियाँ देती हैं, नहीं देती हैं। नो क्लेम बोनस जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम पूरी कंपनी देती ही देती हैं, बस थोड़ा किसी में 20% होता है, किसी में 100% होता है, किसी में क्लेम नहीं लेंगे तो डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, डिपेंड ऑन द यू नो इंश्योरेंस यू आर सिलेक्टेड। रजिस्ट्रेशन बेनिफिट भी मिल जाता है, नेवाबो का वन ऑफ द बेस्ट प्रोवाइड करता है रजिस्ट्रेशन बेनिफिट के लिए, लेकिन कंपनी का कुछ अलग ही दिक्कतें हैं, वो अलग वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद फ्री हेल्थ चेकअप, कंसल्टेशन एंड फार्मा का है यहाँ पे, ये सब आपको बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अप्लाई फिल्टर के ऊपर क्लिक करते हैं, बेस्ड ऑन दिस जो भी फिल्ट्रेशन है, जो भी आपके लिए फिल्टर अप्लाई किए हैं, जो भी कंपनी है वो यहाँ पे आ जाएगी। अभी देखिए मेरे केस में जितने भी फिल्टर मैं लगा हूँ उसमें से सिर्फ दो ही मेरा एलिजिबल है, दो नहीं मतलब दो ही कंपनी एलिजिबल है। दो में भी देखिए यहाँ पे देखिए मैक्स रूपा के 5 और प्लान है, तो इनका मैक्स रूपा का जैसे मैं आपको बताया, सॉरी मैक्स रूपा बोल रहा हूँ, पहले मैक्स रूपा था अभी न्यू रूपा आ गया, तो इसमें बहुत सारे वेरियंट है इनके, 2.0 प्लेटिनम है, गोल्ड है, तो इसमें यू नो ये सिर्फ एग्जिस्टिंग जो इलनेस रहती है 2 से 3 सॉरी 3 से 4 2 ईयर्स होता है, या सॉरी 4 ईयर से 2 ईयर्स होता है। और एक चीज़ क्या रहती है कि नो क्लेम बोनस आपको ज़्यादा मिलता है, आपकी यू नो जो बेस कवरेज होती है वो बढ़ती रहती है अगर आप क्लेम वगैरह नहीं करते हैं, तो ये सब फीचर न्यू वो का देता है। तो अभी देखिए फिल्टर किया, मुझे सिर्फ दो ही कंपनियाँ आ रही थी, ठीक है। अब चलते हैं हम टोटलमेंट की तरफ, टोटलमेंट में देखेंगे कोई वैसा फिल्टर नहीं है, सिर्फ डिडक्टेबल देखेंगे, इसमें भी फिल्टर अप्लाई नहीं हो रहा। बेनिफिट देखेंगे आप, ट्रीटमेंट एट होम है, आउट पेशेंट है, नो को पेमेंट है, ऑर्गन डोनर है, मेटर्निटी बेनिफिट है, तो ये सब फिल्टर हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। न्यू बॉर्न के लिए क्या है ये आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर आप देखेंगे एग्जिस्टिंग पीरियड का कोई भी फिल्टर यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो आपको मैनुअली क्या करना है, हर पॉलिसी में जो भी पॉलिसी ले रहे हैं उसमें जाके आपको डिटेल चेक करके पता करना पड़ेगा कि उसमें रूम रेंट लिमिट है कि नहीं, ठीक है, पहली बात। दूसरा एग्जिस्टिंग जो वेटिंग पीरियड होता है वो है कि नहीं, जो आपको पॉलिसी बाजार में डायरेक्टली मिल जाता है, ठीक है। अब ये हो गई तो फिल्टर्स की बात है, फिल्टर के ऑप्शन में भी हमारा पॉलिसी बाजार एकदम टॉप पे है, तो कोई डाउट नहीं है इसमें। अब क्या करते हैं कि मैं एक पॉलिसी सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे प्रोफाइल को सेंटर में कर लेता हूँ, सॉरी जो मेरा वेबकैम है पहले, तो मैंने यहाँ पे सेंटर में कर लिया हूँ। तो अभी क्या करते हैं हम, अब ये तो फिल्टर्स की बात हो गई, फिल्टर्स के मामले में भी हमारा पॉलिसी बाजार आ गया है, कंपनीज लिस्टेड हैं हमारे पॉलिसी बाजार में, बहुत ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। अब चलते हैं, मैं इसका एक बेनिफिट दिखाता हूँ आपको। अब रही बात यहाँ पे कंपैरिजन, अगर आप दोनों में कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक प्लान लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। प्लान लेने के बाद मैं काम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कौन सी मतलब जिस फीचर की मैं बात कर रहा था किसी में, मतलब ये ना बहुत सारी कंपनी सेम ही कंपनी रहेगी, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नहीं दिखाएंगे और वहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाएंगे।
तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पूरे फिल्टर्स वगैरह हटा देता हूँ, यहाँ पे अप्लाई फिल्टर्स पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नीवा बुबा का एक प्लान सेलेक्ट करता हूँ। नीवा बुबा का अभी नहीं करते हैं, HDFC अर्गो का, ऑप्टिमा सिक्योर का करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ दिक्कतें कहाँ आती हैं, कि इसको टैकल कैसे किया जाए इस प्रॉब्लम को, क्योंकि मैं एजेंट भी हूँ, तो मैं बहुत बार अपने मैनेजर्स वगैरह से बात भी किया हूँ, लेकिन वो लोग यू नो डायरेक्टली सजेस्ट करते हैं कि आप किसी और प्लान की तरफ चले जाएं, इंस्टेड ऑफ गिविंग सम रेजोल्यूशन और सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर इशू। अब यहाँ पे मैं दोनों का सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख पाएंगे मैंने दोनों प्लान सेलेक्ट कर लिया है, 10 लाख का 10 लाख का है, सेम प्लान है, हेल्थ ऑप्टिमा सिक्योर है HDFC अर्गो का, हेल्थ ऑप्टिमा सिक्योर है HDFC अर्गो का, जो उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो वगैरह देख पाएंगे डिफर कर रहा है दोनों, हालांकि दोनों एज इट इज सेम फॉलो करते हैं, लेकिन देखेंगे क्लेम सेटलमेंट 97.63 और इसमें देखेंगे 98.5 है। कोई बात नहीं, चलिए पेड विद इन 3 मंथ, पेड विद इन 3 वेल। अभी देखो ट्विस्ट की बात ये है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे HDFC अर्गो टर्टल मेंट प्रो में आप देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए को पेमेंट का ऑप्शन आप यहाँ पे देख पाएंगे 10% है। तो 10% का मतलब क्या है कि अगर आपका 1 लाख रुपीज क्लेम आता है, उसमें 10,000 अपनी जेब से आपको देना है, नो मैटर क्या क्लेम हो रहा है आपका, ठीक है, तो ये नो क्लेम बोनस है। अभी देखिए सेम एज दिया हूँ, सेम सब कुछ दिया हूँ, जो भी चीज़ें हैं मैंने करेक्टली बताई हैं, सेम इंश्योरेंस कंपनी अगर पॉलिसी बाजार में आप देखेंगे तो सेम चीज़ों का आपको यहाँ पे सब कुछ फीचर सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन आप देखेंगे इसमें कहीं पे भी नो को पेमेंट का ऑप्शन लिखा ही नहीं है। अब आगे भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए व्यू डिटेल्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ दोनों पे, और यहाँ पे क्या करूँगा इसके ऊपर भी मैं क्लिक करता हूँ, ताकि पूरी डिटेल्स मैं इसकी ले सकूँ, जान सकूँ। अब यहाँ पे देखिए व्यू और फीचर्स, तो देखिए दोनों के फीचर्स आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख पाएंगे रूम रेंट लिमिट एनी कैटेगरी, मतलब हम कुछ भी यहाँ पे किसी भी कैटेगरी का रूम रेंट ले सकते हैं, जो सेम कंपनी का सेम जगह पे मुझे बता रहा है। अब यहीं आप देखेंगे टर्टलमेंट प्रो में आएंगे, तो मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो ये तो छोड़िए, ये तो हमारा और भी है, जो हॉस्पिटल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रूम रूम वगैरह में ऐड हो जाती हैं, जो इंक्लूडेड नहीं रहती हैं, तो वो आपको जो ऑप्टिमा सिक्योर का जो PDF डाउनलोड करेंगे उसमें आपको पूरा देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों को मैंने डाउनलोड करके चेक किया, दोनों का एज इट इज़ है, सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और मैं जो जिस चीज़ की बात कर रहा था, यहाँ पे देख पाएंगे 10% को पेमेंट है, ठीक है, 10% बिटवीन 45 to 55 ईयर्स इफ़ द पॉलिसी इज परचेज आफ्टर 50 ईयर्स। अब ये जो चीज़ है, ये जो लाइन है, ठीक है, कहीं पे भी अभी ये जो टर्टलमेंट का वेबसाइट है, इनके वेबसाइट पे ये दिखा रहा है, ठीक है। अब मुझे पता नहीं है कैसे डिज़ाइन हुआ है, अब पॉलिसी बाजार में ये नहीं दिखा रहा है, लेकिन दोनों के वेबसाइट से जब मैं इनका HDFC अर्गो का PDF डाउनलोड करूंगा, वाउचर डाउनलोड करूंगा, जो भी फीचर्स वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं देखने के लिए, टर्म्स एंड कंडीशन देखने के लिए, उसमें कहीं पे भी ये चीज़ मेंशन नहीं है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये टर्टलमेंट इसको क्यों दिखा रहे हैं, या दिखा रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट में क्यों मेंशन नहीं है, और ये फ्यूचर में चल के कोई प्रॉब्लम करेगा कि नहीं। तो ये मेजर डिफरेंस मैं देखा हूँ, सिर्फ HDFC अर्गो के साथ नहीं, और भी एक दो कंपनियाँ हैं जो ये मतलब यहाँ पे इनके वेबसाइट पे या डिटेल्स गलत दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये डिफरेंस मैं देखा हूँ। तो अब मुझे पता नहीं कि पॉलिसी बाजार करेक्ट है या टर्टलमेंट प्रो। पॉलिसी बाजार के बहुत सारे मैंने वीडियोस और रिव्यूज़ वगैरह देखे हैं, वहाँ पे बोला जाता है कि ये लोग अपने वेबसाइट पे कुछ भी डाल के ये बेच देते हैं पॉलिसी लेटर, अगर क्लेम वगैरह में प्रॉब्लम आती है तो ये क्लॉज वगैरह निकाल के आपका क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। अब मुझे पता नहीं कौन सही है कौन गलत है, मैं सिर्फ आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रूम रेंट पे जैसे बताया कोई भी कैप नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बिसाइड यू हैव टू पे मोर इफ़ यू स्टे इन ए स्वीट रूम ऑफ हायर कैटेगरी। अब ये जब इनका पॉलिसी का वाउचर डाउनलोड करूंगा, तो उसमें कहीं पे भी लिखा नहीं है कि जो रूम रेंट लिमिट है वो कैप्ड है। अब टू सम अश्योर्ड मतलब 10 लाख तक, ठीक है, आपका रूम रेंट लिमिट जब दोनों के वाउचर डाउनलोड करूंगा, जो ऑप्टिमा सिक्योर के PDF हैं जिसमें पूरी डिटेल्स हैं, दोनों में यही लिखा है कि अप टू सम अश्योर्ड आपको मिलेगा, अप टू 10 लाख, कोई भी रूम लिमिट पे कैप वगैरह नहीं है, लेकिन इनके वेबसाइट पे ऐसा क्यों लिखा रहा है मुझे वही नहीं समझ में आता है। तो यही एक दिक्कत है जो दोनों में है, और बाकी सब कोई भी दिक्कतें नहीं है, जो भी हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो वगैरह ये सब मतलब करेक्टली यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब यही चीज़ मैं न्यू अबूबा के साथ जाऊँ तो कोई भी दिक्कतें नहीं देखने के मिलती, मतलब जो प्लान है जैसा है एज इट इज़ दोनों में सेम है। अब देखिए यहाँ पे न्यू अबूबा 2.0 टर्म्स प्लान में मैं जाऊँगा बैक जाके, यहाँ पे बैक जाके तो यहाँ पे टॉप पे ही दिखा देगा, क्योंकि पता नहीं कुछ टाई अप होगा, इनके बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, दिक्कतें हैं, क्लेम सेटलमेंट रिश्यूट भी बहुत बहुत दिक्कतें आती हैं, स्मूथ नहीं रहता है HDFC अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँ, आप जाके देख सकते हैं कौन सा इंश्योरेंस अच्छा है, कैसे लेना चाहिए, टर्म लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया। तो देखिए न्यू अबूबा का जो भी फीचर है मैंने कंपेयर किया है, मैं दोनों प्लेटफॉर्म पे एजेंट हूँ जैसे कि मैं आपको बताया, तो दोनों में सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कंपनियाँ हैं जो बहुत सारे डिफरेंस, को पेमेंट डाल देती हैं जो पॉलिसी बाजार में नहीं दिखता है,
देखिए फीचर वाइज भी जो एड ऑन वगैरह आप देखेंगे यहाँ पे देख पाएंगे, जो एड ऑन वगैरह है प्राइमरी एड ऑन, सुपर टॉप अप, क्रिटिकल इलनेस, अगर आप एड ऑन देखेंगे तो आपको पॉलिसी बाजार में बहुत सारा एड ऑन देखने के लिए मिलता है कम पैसे में। और यहाँ पे सेम चीज़ें अगर आप देखेंगे तो इसमें देखने के लिए नहीं मिलता टर्टलमेंट में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कम्प्लीटली नहीं मिलता, मिलता है लेकिन बहुत कम रहता है इसमें एड ऑन वगैरह, ठीक है। ये दूसरी चीज़ है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सेम HDFC वर्गो पे चले जाते हैं, HDFC वर्गो में क्या है प्रीमियम ज़्यादा दिखाता है, इसमें टर्टलमेंट में प्रीमियम जो है हमारा HDFC वर्गो का ज़्यादा दिखेगा। देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ 29,719 है, अगर यही प्रीमियम मैं यहाँ पे पॉलिसी बाजार में दिखाऊंगा आपको तो यहाँ पे देख पाएंगे आपको कितना है, यहाँ पे देखिए 28,251 है ईयरली एज हो, तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा रही, ठीक है। तो ये प्रीमियम का भी डिफरेंस आता है दोनों कंपनियों में, बहुत कम ही देखा हूँ मैं लेकिन जनरली रहता है 200 300 400 का फर्क रहता है। और ये GST के साथ है, बोलते हैं आगे चल के GST नहीं ऐड होगा। अभी देखिए ये नो पेमेंट वगैरह ये सब पता नहीं है मुझे कौन सी कंपनी को ट्रस्ट करें, लेकिन अपने हिसाब से आप देख लें। मैं अगर आपको इंश्योरेंस परचेस वगैरह करना है, कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में, दोनों वेबसाइट का हमारा लिंक है, जाके हमें क्वेरी डाल सकते हैं। अब मैं आपसे कनेक्ट होऊंगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट वगैरह होगी पॉलिसी वगैरह मैं आपको परचेस करके बता के दे दूंगा। तो ये पूरा फीचर्स है, तो आपको समझ में आ गई होगी कि कौन से वेबसाइट से आपको परचेस करना है, कौन से में नहीं करना है। फीचर वाइज देखेंगे तो आपको पॉलिसी बाजार बहुत ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे देखिए जो फिल्टर्स वगैरह हैं इसमें बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। अब मैं टर्टलमेंट के साथ कोई पॉलिसी परचेस नहीं किया हूँ, लेकिन मैं सुनता हूँ कि इनके भी यू नो सपोर्ट वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, क्या पता इन्हीं का सही हो, क्या पता इन्हीं का सही हो, आप कोई भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, हमारा क्लिक पास हो जाना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से देख लें कौन सा वेबसाइट आपके लिए बेस्ट है, दोनों कंपनी मतलब दोनों वेबसाइट हैं, दोनों वेबसाइट हर एक तरह का इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बाइक हुआ, हेल्थ हुआ, टर्म हुआ। तो मैं एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं देखा हूँ, रिसर्च वगैरह करते रहता हूँ, तो डिफरेंस आता है थोड़ा बहुत, तो डिफरेंस दिखेगा लेकिन पॉलिसी सेम रहती है, पता नहीं क्यों ऐसा। अगर आपको डाउट है, सवाल है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो आई होप आप लोगों को बड़ी अच्छी लगी होगी ये कंपैरिजन दोनों का, जो टोटलमेंट है और पॉलिसी बाजार है। तो अगर आपको कोई डाउट है, सवाल है, जैसे कि मैं आपको बताया, आप हमारे वेबसाइट पर जाके क्वेरी वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बनाया हूँ, सॉरी आर्टिकल वगैरह भी लिखा हूँ, बेस्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस सब के ऊपर। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और नए से टेक टॉपिक के साथ।